ओके तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जी हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है? देखिए, अगर आपके पास कुछ, मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स है, मुझे नंबर को सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट सम का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, सम हो जाएगा। अब जो सम का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया वो क्या है, ये इनबिल्ट फीचर है। क्या है? इनबिल्ट फीचर। इनबिल्ट फीचर्स। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जिसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल ना हो। उस केस में हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लस, इस तरह से प्लस। तो ये प्लस वाली जो है, आप मर्जी से, मेरे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो है प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, और ये हमारा ये पावर का। तो पूरा मैथमेटिक इन्हीं ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड किया गया। तो आज हम इसी ऑपरेटर और फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास क्वार्टर वन में मान लीजिए 50 सेल था और क्वार्टर टू में मेरे पास मान लीजिए 55 सेल था। मुझे इसका ग्रोथ निकालना है, राइट? तो ग्रोथ के लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, बट मैथमेटिक फॉर्मूला है। मैथमेटिक फॉर्मूला कहता है कि लेटेस्ट, मतलब कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन। हालांकि मैथमेटिक में ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100 है इसमें, लेकिन परसेंटेज के लिए है 100, लेकिन इसमें 100 देने की जरूरत नहीं है एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल में परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देता है वो ऑटोमेटिकली। जैसे मान लीजिए ना कि 2.20 है, अगर मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ऑटोमेटिक 20 हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है? तो एक्सेल के अंदर कभी परसेंटेज में आप मल्टीप्लाई बाई 100 या डिवाइड बाई 100 नहीं करेंगे, जो मैथमेटिक का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए ना कि मुझे अगर 500 का अगर 30% निकालना, तो 30 नंबर में होगा तो मैथमेटिक का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा कि फिर 30 मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइड बाई 100। लेकिन अगर परसेंटेज में होगा इस तरह से, तो डिवाइड बाई 100 नहीं होगा, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, क्योंकि अगर परसेंटेज का सिंबल है तो ऑलरेडी वो डेसिमल में ही है, डिवाइड बाई 100 ही है, वो दिख रहा है 30% विजुअल से। तो यहाँ हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को लगा रहे हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट। तो लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। क्या लग रहा है, एंटर मारने में फॉर्मूला सही आएगा? नहीं सर, आएगा गलत नहीं आएगा। सेम उसी तरह से कि टू प्लस एट, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाई टू, सॉरी टू प्लस ये कहते हैं टू प्लस टू डिवाइड बाई टू। नहीं, तो इसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। हाँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ, ब्रैकेट। मतलब कि हमें बोर्ड मास मेथड को फॉलो करना, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमेशा क्या होता है, डिवाइड पहले होता है, ब्रैकेट्स डिवाइड पहले होता है, नहीं पहले ब्रैकेट्स देन डिवाइड। पहले। या ठीक है ना, पहले ब्रैकेट्स फिर डिवाइड, समझे सर? ओके ओके तो इसलिए हमने ये किया, एंटर प्रेस करते हैं, रिजल्ट आ गया, हम यहाँ पे आ गए। ठीक है सर? ओके कैन यू टेक वन मोर एग्जांपल सर? हाँ, अभी और दे रहे हैं एग्जाम्पल, अच्छा खासा एग्जाम्पल होगा, चिंता मत। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल। ये तो थोड़ा छोटा था, चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, मेरे पास टाइम है। मेरे पास 50,000 का प्रिंसिपल है, 7% ईयरली इंटरेस्ट रेट है और 3 साल का टाइम है। मुझे
मुझे यहाँ अमाउंट निकालना है। हालांकि अमाउंट निकालने के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला है पीडीएफबी का, लेकिन मुझे उस फॉर्मूले के कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज है, उसकी सेम कैलकुलेशन नहीं है, मेरी अलग कैलकुलेशन है अमाउंट, ठीक है ना। तो मेरी कैलकुलेशन कहता है मैथमेटिक का कि अमाउंट मतलब कि ए इक्वल टू पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन और इसका पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मैथ लेके बैठ गए, हम तो मैथ बड़ी मुश्किल से स्कूल में मैथ से पीछा छूटा है और फिर वापस एक्सेल क्लासेस में मैथ क्या करें सर, मैथमेटिकल मैथमेटिक्स के बगैर तो लाइफ ही नहीं है ना। ये फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो तरीके बता रहा हूँ सर इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरे पास जो इनबिल्ट कैलकुलेशन है उसको तो आप इजिली से अप्लाई कर दो, लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे कैलकुलेशन आते हैं जिसके लिए फॉर्मूला ही नहीं होता है, उस केस में उस मैथमेटिकल इक्वेशन को इजीली हम एक्सेल में लगा सकते हैं, पहले है। दूसरा आता है फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, कि आप एक सेल में कई सारे फॉर्मूला लगा सकते हैं और कैसे लगाएंगे ये चीज हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट सर। ओके तो अभी इतना लंबा इक्वेशन है, अगर मैं एक सेल में लगाना चाहूँ तो कहीं ना कहीं ब्रैकेट का मिसिंग हो जाएगा या कहीं ना कहीं गलत हो सकता है क्या, तो मैं इसको मैं तोड़ के लगाता हूँ। पहले करता हूँ वन प्लस ब्रैकेट में आर मतलब कि टाइम रेट डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 12 है क्योंकि हमारा मंथली कैलकुलेशन है, इसलिए अगर ईयरली होता तो वन हाफ ईयरली तो टू क्वार्टरली तो थ्री, तो यहाँ पे अपना मंथली है तो मंथली कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे कर लिया ए। फिर मैं ए वाला जो कैलकुलेशन है इसको करूंगा टी मल्टीप्लाई बाय 12। अब इन दोनों का जो पावर है स्क्वायर है वो निकालो, पावर का सिंबल ये शिफ्ट के साथ आता है, शिफ्ट के साथ सिक्स प्रेस करते तो आएगा सिंबल है। अब इसको फाइनली पी से मल्टीप्लाई कर देते तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ गया। तो इसको अलग अलग लगाने का फायदा ये हुआ कि कहीं कोई गड़बड़ होगी तब पहचान लगे कि हमारा कौन सा कैलकुलेशन गलत रिजल्ट दिया, इसको ठीक करेंगे। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट हमारा फुलफिल है, सब कुछ बढ़िया है, तब हम क्या करेंगे फॉर्मूला मर्ज करना शुरू करेंगे। तो फिर हम यहां पे आते हैं, इसको कॉपी करेंगे और यहां क्योंकि ये D12 है ना, तो हम D12 पे जाएंगे, D12 का फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, बट इक्वल को सिलेक्ट मत कीजिए। और जहां D12 का फॉर्मूला है उसके जगह पे D12 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ऐसे ही B12 है, B12 पे जाएंगे, B12 का फॉर्मूला लेंगे और यहाँ जहाँ E12 है, E12 के जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट कर। अब मैं इसको इजीली डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि मैं फॉर्मूला उठा के इसके अंदर डाल चुका हूँ। फिर वापस इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ जहाँ पे हमारा F12 है उसके जगह पे F12 का फॉर्मूला पेस्ट कर, एंटर प्रेस किया, आउट। अब ये लंबा कैलकुलेशन हमारा परफेक्टली वर्क। अब उसको उठा के मुझे यहाँ लाना, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्यों, क्योंकि कॉपी पेस्ट अगर करते हैं तो इसमें दी गई जो रेफरेंसेस है वो इंक्रीज डिक्रीज होगा, समझ गए, और फिर आपका एरर शो करेगा। तो इसको कट कर लीजिए या फिर यहाँ कर्सर पे माउस पॉइंटर लीजिए और इसको मूव कर, कट पेस्ट करने पे या मूव करने पे आपका एड्रेस इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, समझ गए, कोई डाउट इसमें आप लोगों को नहीं। आप सोचेंगे सर ये तो छोटी सी फॉर्मूला थी, खामा खा आपने इतना लंबी कर दी। सर आई एम नॉट, मुझे तो पावर ऑफ इतना I'm not much aware of the power of functions. Power इसकी बात कर रहे हैं कि नहीं आपको पता? Yes, yes. हाँ, नहीं पता। जैसे 10 का 10 power 2 है, 10 square निकाल। Okay. 10 square. 10 हाँ, 10 square के लिए 10 और ये आपका symbol दे दीजिए 2 करते हैं 10 square मतलब कि 10 multiply by 10 इसको बोलते हैं power. Okay. तो हमारे formula में क्या था
कि हमारे फॉर्मूले में था कि 1 + r/n पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाई n, मतलब कि टाइम को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसका पावर निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पावर से ओके समझ गया। ओके अच्छा जी, अब कंफ्यूजन है तो एक काम और करते, अब मैथमेटिक फॉर्मूला को मत समझिए, आप लगाने के तरीके को समझिए, ठीक है सर? ओके मैथमेटिक्स समझेंगे तो फिर आपको 8th 9th 10th क्लासेस याद करें। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ फॉर्मूला मर्जिंग का, जो आपको समझ में आ जाएगा कि तो कॉपी पेस्ट करने वाला तरीका है कितना अच्छा है। तो मेरे पास एक कंपनी का कॉस्ट है 50 रुपीज और मुझे इसकी MRP निकालनी है, राइट सर? अब MRP कैसे निकालेंगे? तो सिंपल बोलते हैं कि भाई 50 रुपए की सामान बनी है तो मैन्युफैक्चर क्या करता है कि अपना 5% का कमीशन लेता है और अपने अपने लागत में ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को 52 रुपीज में मिल गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि अपने खरीद पे 10% का कमीशन डालता है और उसको ऐड कर दिया मैंने इसमें 10%, मतलब कि 52.5 में खरीद के 57.75 में इसको बेच देता है होलसेलर। होलसेलर क्या करता है कि आप उसकी जो अपनी खरीद है 57.75 उस पे वो 15% का कमीशन ऐड करता है निकाल के और फिर वो रिटेलर को बेच देता है। तो रिटेलर कितने खरीदता है? 66.41। फिर रिटेलर क्या करता है? अपने खरीद पे 20% का कमीशन ऐड करता है और ऐड करके बेच देता है रिटेलर, मतलब 50 रुपीज की जो हमारी प्रोडक्ट है वो रिटेलर के पास आते आते 79 रुपीज का हो जाता है। ओके तो हमने इसलिए कि कोई इसमें बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट हमने परसेंटेज निकाला और ऐड करता चला है। बस यही है कि सिमिलर है सब, 50 सारे परसेंटेज 50 से कनेक्टेड नहीं, पहला 50 का तो 5% निकला 52, फिर अब 52 का 10% निकला, फिर यहाँ पे 57 का 15% निकलेगा, फिर 66 का 20% निकलेगा। तो ये सर चैन सिस्टम था, इसलिए मुझे अलग अलग सेल में निकाल लेते, ठीक है सर? ओके अब प्रॉब्लम आती है कि सारे फॉर्मूला मुझे एक सेल में यहाँ चाहिए, मैं इतने सारे अलग अलग सेल में नहीं लगाना चाहिए, तो मैंने इसको तोड़ के अलग अलग सेल पे लगा दिया है। इसलिए लगाया है तोड़ के अलग अलग सेल पे ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो पता चल जाए कि कौन सी दिक्कत। अब बारी आती है मर्ज, जैसे हम इस पे आते हैं, ये लिंक किससे है? 2.5 से है, तो 2.5 वाले में जाते हैं, इसकी फॉर्मूला को कॉपी कर लेते, इक्वल नहीं करेंगे, फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे और इसका एड्रेस क्या था? C15। यहाँ नीचे आते हैं जहाँ C15 है, C15 को पहले करते हैं डिलीट और ब्रैकेट में C15 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिए सर, मतलब अब C15 को डिलीट करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ अब जो है 52.5 जो है, यहाँ देखिए C16 से करेक्टेड है, तो इस पे आते हैं, इसकी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं इक्वल छोड़ के, और यहाँ जहाँ पे C16 था उसके जगह पे ब्रैकेट के अंदर हम जो है अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ भी हमारा C16 है, इसके जगह पे भी ब्रैकेट के अंदर अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं। फिर यहाँ पे सेम मैंने क्या किया, अपने फॉर्मूला को कॉपी किया, यहाँ पे आए और FT15 के अंदर D15 का फॉर्मूला पेस्ट कर, अब मैं यहाँ पे D15 को डिलीट कर सकता हूँ। अगेन इसी तरह की सिक्वेंसली हम जो है फॉर्मूला को उठा के उसके सेल एड्रेस के जगह पे पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते चले जाए, अंत में रियलाइज होगा कि अगर हम कॉपी पेस्ट सिस्टम नहीं करते तो ये फॉर्मूला नहीं लगा। बस याद रखिएगा इक्वल कॉपी नहीं करना है और ब्रैकेट में ही पेस्ट करना, तो फिर वोट मास इफेक्ट में प्रॉब्लम होगी और कैलकुलेशन सही नहीं। देख सकते हैं धीरे धीरे मेरा कैलकुलेशन कितना लंबा होता जा रहा है।
फाइनली हमारा हो गया। तो कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर। अब सोचिए क्या लग रहा है, इतना लंबा कैलकुलेशन आप लगा पाते? फॉर्मूला तो लाइक मैं भी लगा पाता, मैं भी अगर लगाने जाऊं तो दो चार पांच बार गलती करते बगैर मैं नहीं लगा सकता। अब प्रॉब्लम हो जाती है कि इसके अंदर मैंने लगा दिया और कहीं पे एरर आ रहा है, उस एरर को ढूंढ के सही करना मुश्किल है। लेकिन अब जो ये जो मेथड मेरा है, ये मेथड बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी मदद से आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ईजिली कर सकते। और आगे चल के बड़े बड़े फॉर्मूले को जो हम बताएंगे, चार चार पांच पांच तरह के जो फॉर्मूले लिखेंगे वो इसी कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है सर? ओके। तो दिक्कत ना, एक एक बार जो है हम बात कर लेते हैं अपने डॉलर साइन के बारे में। हालांकि इसके बारे में बताया हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि डॉलर साइन का क्या रूप। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए, अब मैं उसमें 20 ऐड करना है नंबर, तो हमने इसको किया प्लस और ऐड कर दिया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो सारा रिजल्ट इंक्रीज होता है। देखिए जब भी कोई फॉर्मूला आप लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा दिया या सेल एड्रेस दिया, तो क्या होता है कि जब यहाँ पे अगर नीचे ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, ये आपका इंक्रीज। ठीक है, ऊपर ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, डिक्रीज। वैसे भी F9 है ना, यहाँ पे देखिए F9 है। अब मैं ऊपर करता हूँ तो F8 हो गया, F8 हो गया। करेक्ट। इस तरह से अगर मैं आगे करता हूँ तो F की जगह पे G हो जाएगा, G हो गया। और पीछे करता हूँ G की जगह पे F की जगह पे E हो। ये चारों तरफ जब ड्रैग होता है तो अपना जो सेल का एड्रेस है उनको इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम में आपका रो नंबर इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट में आपका कॉलम नंबर इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो ये अच्छी चीज है। अगर मान लीजिए ये फैसिलिटी नहीं होता तब क्या करना पड़ता आपको, कि आपको जो है हर सेल में अलग अलग फॉर्मूले लगाने। ठीक है, तो एक बेनिफिट, लेकिन हर बेनिफिट कभी कभी हमें नुकसान देता है। और यहाँ पे भी यही हुआ कि अगर मान लीजिए डी 20 में मेरा अगर कुछ है तो अगर मैं इसके ऊपर प्लस डी 20 करूँ तो प्रॉब्लम क्या होगी, कि जब मैं नीचे डिटेक्ट करूँगा तो A1 A2 होगा, ये मुझे एक्सेप्टेबल है, पर D1 D2 हो गया ये प्रॉब्लम है। D1 हमेशा D1 रहना चाहिए, D2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी वैल्यू फिक्स लोकेशन पे है। तो इस केस में हम इसको करेंगे अब स्लो, मतलब हम D के आगे का डॉलर साइन लगा देंगे, D के मतलब 1 के आगे का डॉलर साइन लगा और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और जैसे आगे ड्रैग करेंगे आपका E जो हो गया क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ रो नंबर के आगे ही डॉलर लगाया है, कॉलम नंबर के आगे नहीं लगाया। आपको रो एंड कॉलम दोनों करना है तो दोनों तरफ लगा दी, इसका शॉर्टकट F4 होता है। ठीक है, अब इसको कुछ लोग बोलते हैं सर कन्फ्यूजन है कैसे होगा, तो उसको मैं सिंपली समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ सीक्वेंस लिखे हुए हैं, मान लीजिए मुझे टेबल लिखना, ये मेरा बेटा बड़ा यूज करता है, इसका कैसा आता है किसी खोल लेता है और टेबल इस तरह से ट्रैक कर लेता है और लिख। जैसे मुझे 5 का टेबल लिखना है, 10 का टेबल लिखना है, 12 का टेबल लिखना है, 17 का टेबल लिखना है और 19 का टेबल लिखना, मान लीजिए। तो हमें क्या करना है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। हमने क्या कर दिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसको नीचे ट्रैक करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी सर, ये D12 5 तो फिक्स रहना चाहिए ना सर। नीचे करूंगा तो 2 12 13 हो जाएगा, जो कि रिजल्ट गलत हो गया ना, 15 होना चाहिए। क्या हाँ, तो ये डॉलर से लगाना है।
जी हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसके दोनों तरफ डॉलर लगा दूंगा तो दिक्कत क्या होगी, जब मैं इसको आगे ट्रैक करूंगा तो फिर 10 को रिकवर नहीं करेगा, समझे? करेक्ट, तो यहां को ही लेगा। हाँ यहाँ पे, हाँ 5 से लेगा, तो यहाँ पे हम डी के आगे डॉलर नहीं लगाएंगे, सिर्फ 12 के आगे डॉलर, राइट? एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट सी 13 को देखते हैं, मुझे अगर सी 13 का आगे डॉलर लगा दूंगा तो नीचे ट्रैक होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, इसलिए ये आपको 13 का आगे का डॉलर नहीं चाहिए। बट जब आगे मैं ड्रैग करूंगा तो ये आपका सी बन जाएगा, डी डी बन गया, जबकि यहीं पे 2 ही रहना चाहिए, सी फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ मेरा सिर्फ कॉलन कॉलन को रोकना है, रो को ड्रैग करना है, तो कॉलन के आगे हमने रो लगा दिया, डॉलर साइन लगा दिया। तो अगर प्रॉब्लम हो तो इस तरह से एक बार ऊपर नीचे आगे पीछे ड्रैग करके देख लीजिए और देखिए कि कौन कौन सा रिजल्ट आपका चेंज हो रहा है। जो रिजल्ट चेंज हो रहा है और नहीं होना चाहिए था उसको आप डॉलर साइन लगा दीजिए, सिंपल, ठीक है? ओके, अब देखिए बन गए टेबल। Mm-hmm. तो आप एक बार फॉर्मूला अपना पूरा लगा लें और फिर फॉर्मूले को आगे आगे के ड्रैग करें और नीचे ड्रैग करें और दोनों रिजल्ट में देखें कि कौन कौन इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होना चाहिए तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, नहीं चाहिए तो आप इसके पहले वाले फॉर्मूले में डॉलर साइन लगा दें, जैसे कि मैंने आपके सामने किया। समझ में आया है? दोबारा बताऊं आपको ये? दोबारा इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे 90% स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि किसमें डॉलर लगाएं और किसमें डॉलर ना लगाएं, इतना बताने के बाद भी, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको ये चीजें बताई। तो आपने आज सीखा कि मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, क्यों करेंगे, राइट? okay. ये जो कैलकुलेशन थी, एक कैलकुलेशन एक किसी को बहुत ज्यादा राहत दी थी सर। बेसिकली सूरत से मुझे कॉल आया था एक कलर इंजीनियर का, तो उसने बोला था कि मेरे को ये जो कपड़े के कलर वलर होते हैं ना, वो कलर की कोड्स होते हैं, कि कलर का तो चार ही चीज होता है, पहला होता है बेस, दूसरा होता है कितना आरजीबी, कितना रेड, कितना ग्रीन, कितना ब्लू, क्या परसेंटेज पड़ेगा, उससे कलर डिफाइन होता है, समझ गए ना? तो उसके पास एक फॉर्मूला था कि बेस कितना लेने पे, कलर कितना लेने पे कौन सा कलर बनता है, उनकी एक फॉर्मूला थी और वो चाहते थे कि उनको उनको बार बार मैनुअली कैलकुलेशन करके फिर उनको देना पड़ता था पेन पेपर पे, और ये जो कलर का जो ये जो कलर का जो फॉर्मूला था वो रिवील नहीं करना चाहते थे, समझे? बताना नहीं चाहते थे क्योंकि इसी चीज के वो पैसे लेते थे और बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो चाहते थे कि मैं मेरा फॉर्मूला मेरा एक फॉर्मूला से ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला ऐसा बन जाए कि बंदा इनपुट डाले और इनपुट डालते ही फॉर्मूला कैलकुलेट करके रिजल्ट दे दे, कितना रेड, कितना ग्रीन, कितना ब्लू डलेगा, ठीक है? ओके ओके, ताकि वो जो बाकी जो उनके स्टाफ्स है उसी हिसाब से कलर मशीन में डालेगा और मशीन को चालू कर देगा, कपड़ा कलरिंग करना शुरू कर देगा। तो मुझे बताया कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने बोला कि बहुत सारी सिंपल सा बात है, आपको ये जो मैथमेटिकल सिर्फ यही क्लास वन क्लास मैंने उनको दिया और सिर्फ वन क्लास देने के बाद उन्होंने इस चीज को आजमा लिया, फिर उनकी प्रॉब्लम आए कि मैं यहाँ फॉर्मूला कोई ना देख पाए कि मैंने क्या कैलकुलेट किया है, तो ये भी सिंपल है, बस राइट क्लिक कीजिए, आप चले जाइए फॉर्मेट सेल और प्रोटेक्शन में जाके इस हिरन पे क्लिक कर दीजिए, लॉक हटा दीजिए, चाहे लॉक की जरूरत नहीं है, जहां जहां टाइप नहीं करवा लॉक हटा दीजिए और यहाँ पे आप फॉर्मेट सेल ठीक है। तो आपको आज मैं एक पीडीएफ भेजूंगा
पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को आपको करने हैं, ठीक है? तो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा जिसपे मैं भेजता हूँ, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसमें क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसको आपको एक्सेल पे करना है, करके मुझे मंडे दे। क्लास आपकी नेक्स्ट मंडे होगी और हम मंडे आपके साथ पास करेंगे, ठीक है? बीच में कोई डाउट होता है तो सुबह 6 से रात के 11 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके, ठीक है ना? बट कल मत कीजिएगा, क्योंकि कल मैं रहूंगा ट्रेवल में, तो कल शायद फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं।